जय हिंद साथियों, शिक्षण कौशल के सीरीज में अब हम आप सभी के साथ काफी महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, जहां से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। जी हाँ, जीवन कौशल की अगर हम बात करें तो आपकी परीक्षा में 10 अंक हैं, और हम ऐसी तैयारी आपके साथ मिलकर करेंगे ताकि आपके भी 10 में 10 अंक पूरे हैं। इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, जहां पे पहला टॉपिक आज जो हम लोग को पढ़ना है वह है शिक्षक के व्यक्तिगत गुण। आज जो हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जीवन कौशल में, कि शिक्षक के व्यक्तिगत गुण क्या क्या है, आइए इस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। पहला टॉपिक आपके सामने है कि एक अच्छे शिक्षक के व्यक्तिगत गुणों में निम्न बिंदुओं को स्पष्ट किया जाता है। मतलब एक अच्छे शिक्षक या शिक्षिका के जो व्यक्तिगत गुण होते हैं, हम उसे कुछ निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जी हाँ, और आगे बढ़ते हैं, इसको थियोरी को और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पहला हेडिंग आपके सामने है, प्रभावी व्यक्तित्व का स्वामी। माने एक शिक्षक को प्रभावी व्यक्तित्व का स्वामी होना चाहिए। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में मेरे द्वारा मेरे बचे हुए समय में आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, शिक्षक का व्यक्तित्व जिसमें सभी पक्ष शामिल होते हैं, प्रभावी होना चाहिए। माने शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वो सभी, जिसमें सभी पक्ष शामिल होते हैं, प्रभावशाली होना चाहिए। माने अगर प्रभावशाली व्यक्तित्व अगर एक शिक्षक का है तो उनके साथ जो शिक्षक होते हैं, माने छात्र, यदि किसी शिक्षक के व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व से प्रभावित होता है, जैसे वो कहते हैं ईमानदार होना चाहिए, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें यह प्रयास करना चाहिए कि ताकि लोगों की मदद हो सके। माने जिस तरह का शिक्षण का आचरण होता है, जिस तरह शिक्षण का व्यक्तित्व होता है, प्राय जो अभ्यर्थी होते हैं उसी को ही स्वीकार करते हैं। जैसे अब आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी लगातार मेहनत करते हैं, अपना बेहतर देते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, ये कभी नहीं सोचते परिणाम क्या होगा। हमेशा आपके अंदर यह आता है आप सफल जरूर होंगे, हमेशा आपके अंदर सकारात्मक गुणों का विकास होता है। तो और आगे हम बात करेंगे कि छात्र यदि किसी अच्छे, किसी भी शिक्षक के व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं, तो वे उसके शिक्षण में भी रुचि लेते हैं तथा मन लगाकर अधिगम करते हैं। माने अधिगम में रुचि लेते हैं और पूरे मनोयोग के साथ अपना अध्ययन अध्यापन करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं शिक्षक को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होना चाहिए, जैसे कि आप हैं, क्योंकि आप भी तो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी इंसान हैं। आगे चलते हैं अगले हेडिंग पर, अगले टॉपिक पर। अगला है आपके सामने शिक्षक में सहानुभूति की भावना। माने ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो शिक्षक हो उसके अंदर सहानुभूति की भी भावना होनी चाहिए। माने अगर हम बात करें शिक्षक या अध्यापक या शिक्षिका, मैं जब शिक्षक शब्द का प्रयोग करूंगा केवल शिक्षक मत समझिएगा, समस्त माने अध्यापक अध्यापिका दोनों को समझिएगा। जब मैं छात्र कहूंगा तो छात्र छात्रा दोनों, बालक कहूंगा तो बालक और बालिका दोनों, आप लोग समझते चलिएगा। साथ साथ यहाँ पर हमने देखा शिक्षक को छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, शिक्षक को छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, तभी छात्र शिक्षक के प्रति जुड़ाव महसूस करते हैं। मतलब हमेशा ये ध्यान देना चाहिए, उनके अंदर सहानुभूति होनी चाहिए। अब अगर सहानुभूति होगी तो जो प्रत्येक जो छात्र कह सकते हैं, बालक कह सकते हैं, उनकी भी अपनी समस्या होती है, और वो अपनी समस्या तब साझा कर सकते हैं अपने शिक्षकों से जब तक उनके बीच मित्रवत व्यवहार ना हो। जब एक शिक्षक एक अभ्यर्थी के प्रति, एक शिक्षक एक छात्र के प्रति सहानुभूति व्यवहार नहीं रखेगा, भावना नहीं रखेगा, तो जुड़ाव नहीं हो पाता, अपनी बातें नहीं कह पाता। इसलिए यह बातें आप सभी के लिए जानना काफी महत्वपूर्ण है। तो आगे हम लोग अगर बात करें तो शिक्षक के द्वारा छात्रों की इन समस्याओं का निदान प्रस्तुत किया जाना चाहिए। माने यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, ये भी देखा जा रहा है, देखने को ये मिल रहा है, फिर शिक्षक के द्वारा छात्रों की इन समस्याओं का निदान भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। माने जब उनकी समस्या होगी आपके सामने रखेगा तो आपका भी कर्तव्य बनता है। अगर आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह बात जरूर याद रखिएगा कि शिक्षक में सहानुभूति की भावना जागृत करेगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है, इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगर आप नोट्स चाहें तो इलेनी दुर्गे से नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। हम चलते हैं इसके एक और अगले टॉपिक की तरफ।
अगला हेडिंग आपके सामने शायद आपको दिख रहा होगा कि शिक्षक में बौद्धिक व नैतिक ईमानदारी की भावना होनी चाहिए। मतलब ओवरऑल अगर हम लोग मिलाकर देखें तो चीजें हमारे सामने एक तरह से ही सामने चली आ रही है। माने शिक्षक के अंदर बौद्धिक ईमानदारी होना चाहिए। मतलब बच्चों के प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तेज बच्चों को पढ़ाएंगे, कमजोर बच्चों को पढ़ाएंगे, दिव्यांग बच्चों केवल पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाएंगे या केवल हम जड़ बुद्धि बालक को पढ़ाएंगे। हमें समावेशी शिक्षा का भी ख्याल रखना है और हमें बौद्धिक रूप से भी ईमानदार रहना है। और हमें यह प्रयास करना है कि जो भी हमारे पास ज्ञान हो उस ज्ञान को हम अपने इन छात्रों तक कैसे पहुंचाएं, उन छात्रों के लिए कैसे लेकर जाएं। इसलिए यह आप सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं वो ये समझ लें, ये जानते रहे। नैतिक ईमानदारी का मतलब है हम आपको अपने नैतिक रूप से अपने बच्चों के प्रति, अपने छात्रों के प्रति, अपने बालकों के प्रति ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि हम एक श्रेष्ठ भारत बनाने की संकल्पना ले रहे हैं। हम आप कल के देश निर्माता हैं और हम उन देश निर्माताओं को बना रहे हैं, हम उस देश निर्माताओं को जोड़ रहे हैं। आगे हम इस पे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वो बच्चों के लिए अनुकरणीय होता है। माने बालक जैसा देखता है, ध्यान दीजिएगा, बच्चा जैसा अपने अध्यापक के अंदर देखता है बच्चा हमेशा वैसा ही होता है, उन्हीं का ही वो अनुकरण करता है। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षक को बौद्धिक व नैतिक ईमानदार होना चाहिए। माने इसलिए यह स्पष्ट होता है कि जो शिक्षक है उसे बौद्धिक व नैतिक रूप से ईमानदार होना चाहिए। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, यह बात आप समझिए, क्योंकि यहां से सवाल परीक्षा में सीधे सीधे आते हैं। आपकी परीक्षा में 10 अंक के सवाल पूछे जाते हैं और हमारी आपकी यह पहला निश्चय होना चाहिए हम 10 में 10 नंबर के लिए पूरा स्कोर करें। पूरी थियोरी हम लोग पढ़ लेते हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स के आधार पर, उसके बाद इससे जुड़े बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि अब की बार हर हाल में एक सीट हमार। आगे देखते हैं, यदि उसे छात्र के किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता, प्राय कभी कभी होता है कि जब बच्चा पे कक्षा में आपसे सवाल पूछता है तो जरूरी नहीं है कि आपको हर बार हर प्रश्न का जवाब पता हो, लेकिन उसे डांटना नहीं है, उसे फटकारना है, जिन पूछ बैठ, इस तरह से शब्दों का उच्चारण नहीं करना है, बल्कि उसे प्यार से बुलाना है, समझाना है, बेटा मुझे इस प्रश्न का जवाब नहीं आता, बेटी मुझे इस प्रश्न का जवाब नहीं आता, मैं पढ़ूंगा, मैं कल देख कर आऊंगा और मैं इसे अच्छे से बताऊंगा। मैंने उसे डांटना नहीं है, बल्कि ये स्वीकार करना है कि हमें इसका उत्तर नहीं आता, लेकिन मैं इसके बारे में पढ़ूंगा, इसके बारे में अध्ययन करूंगा, उसके बाद मैं इसका आपको जवाब दूंगा, और फिर अपने जवाब से उस बच्चे को संतुष्ट करना है ताकि वह बच्चा जिज्ञासु बन सके, वो आपके साथ अधिगम में रुचि ले सके और आपके साथ हमेशा नई नई चीजें सीख सके। तो इसलिए शिक्षक में बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी की भावना भी होनी चाहिए। अब हम इसके और आगे चलते हैं। यहां तक अगर आपके मन में कोई सवाल हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कॉमेंट करके पूछिएगा। अगला है छात्रों का ध्यान रखने की क्षमता। यह काफी इंपॉर्टेंट है, यह काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि छात्रों का ध्यान रखने की क्षमता, मतलब एक अच्छे शिक्षक को अपने छात्रों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखने का मतलब क्या है, आइए इस मतलब पे हम लोग ध्यान देखिए। सभी जितने लोग हैं, जैसे प्राय होता है कि लोग कहते हैं मैं ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स क्यों लो, कुछ लोग के मन में आता है कि नहीं यार ले लो, हो सकता है इससे प्रश्न आ जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, और कुछ लोग कहते हैं जो इसकी निगेटिविता फैलाते, अरे यार मतलब पेज ज्यादा है, कंटेंट ज्यादा है, सिलेबस के साथ साथ आउट ऑफ सिलेबस ही बनाया गया है। तो उनको बताइए, समझाइए कि अगर सिलेबस के बाहर नहीं रहेगा, कल को प्रश्न सिलेबस के बाहर आ गया तो क्या करेंगे, हमें पहले सिलेबस कवर करना है, फिर सिलेबस के बाहर भी थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि पढ़ा हुआ आपको गाली नहीं देगा। इसलिए हमें प्रत्येक शिक्षक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि अपने बच्चों का, अपने बालकों का, अपने छात्रों का ध्यान रखे। उसे अपनी कक्षा में बच्चों की जो भिन्नताएं हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए कि कौन मेरी तरह मंद बुद्धि बालक है, कौन आपकी तरह प्रखर बुद्धि बालक है, सामान्य बुद्धि बालक है, कौन मंद जड़ बुद्धि बालक है, कौन सामान्य बालक है, कौन दिव्यांग बालक है। मतलब हमें हमेशा कौन जल्दी सीख लेता है, कौन धीरे धीरे सीखता है, सीखने की बच्चों की गति क्या है, इस बारे में हमें अपना जो ध्यान है वो बच्चों के साथ रखना चाहिए और उस पर ये देखना चाहिए कौन जल्दी से उत्तर दे रहा है, कौन धीरे धीरे सवाल का जवाब दे रहा है, किसे गणित में कठिनाई है, किसे भाषा में कठिनाई है, किसे भाषा के साथ साथ उसे हम जो
मातृभाषा है, उसे तो सीख रहा है, बोल पा रहा है, लेकिन मानक भाषा में समस्या हो रही है। माने हमें हर पहलुओं का बच्चों का ध्यान रखना है, उसे अपनी कक्षा में बालकों के भिन्नताओं की जानकारी, उसी का मतलब यहाँ उस शिक्षक की बात हो रही है। जी अरे कुछ लोग पूछ रहे हैं जौनपुर जनपद से, जी हाँ मैं जौनपुर जनपद से हूँ और ये जौनपुर जनपद से एज ए गेस्ट के रूप में आप सभी के लिए निःशुल्क क्लास चल रही है। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पर मिलेगी, आपको सर्च करना है दुर्गेश सर। अब बिना स्पेस के जुड़िएगा, यहाँ पर निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में राष्ट्र हित में उपलब्ध होगी, ठीक है। बाकी ई लर्निंग में दुर्गेश का ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं आप सभी साथी जितने इस वीडियो को देख रहे हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। आइए हम आगे बात करते हैं। इन भिन्नताओं के अनुसार ही उसे शिक्षण कराना चाहिए, माने जो ये उसकी भिन्नताएं हैं उसके आधार पर ही उससे शिक्षण कराना चाहिए ताकि सभी छात्र लाभान्वित हो सके। जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा हो वह आपका पूरा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको छात्रों के ध्यान रखने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। हमें हमेशा अपनी कक्षा में सभी बच्चों पर ध्यान होना चाहिए, सभी बच्चों पर फोकस होना चाहिए। कक्षा का अंतिम बच्चा, कक्षा का पहला बच्चा, कक्षा का बीच का बच्चा, हमें सभी बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उनकी एक्टिविटी को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हम चलते हैं इसके अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है सहकारिता की भावना। ध्यान से देखिएगा, सहकारिता की भावना, आइए जानते हैं ये क्या है। मैंने एक अच्छे शिक्षक को छात्र, अभिभावक और विद्यालय के अन्य कर्मचारी के प्रति सहयोग की भावना वाला होना चाहिए। मैंने एक शिक्षक को छात्रों के साथ ही मित्रवत व्यवहार नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ उनके, अगर वो छात्र के साथ मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं तो ठीक है, उनके साथ साथ अभिभावकों से भी जुड़ा रहना चाहिए। हमेशा हमें जैसे आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स की मीटिंग होती है, अभिभावकों की जो मीटिंग होती है, उसमें हमें अपने शिक्षक, अगर आप शिक्षक हैं, अपने पूरे स्टाफ के साथ ही उनसे बात करिए, उनसे साझा करिए, आपका बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, आप क्या करते हैं, अपने बच्चे को कब भेजते हैं, आपका बच्चा क्या नया करता है, आपको अब क्या लगता है आपका बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा। माने उनसे भी हमें क्या करना चाहिए, सहयोग की भावना रखना चाहिए। और हमें ये भी कहना चाहिए, आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, अपनी बिटिया को पढ़ाइए, ये बड़ी होकर IAS बनेगी, PCS बनेगी, डॉक्टराइन बनेगी, इंजीनियर बनेगी, या आपकी तरह एक प्राइमरी की सरकारी शिक्षक बनेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, अभिभावक से भी अपना जो सहयोग की भावना है वो लगाव रखेंगे। फिर विद्यालय के जो अन्य कर्मचारी, विद्यालय में आपके साथ ढेर सारे शिक्षक और शिक्षिका रहते हैं, प्रधानाध्यापक रहते हैं, चपरासी रहते हैं, तो मैंने इस तरह जो वो वातावरण है उससे हमें क्या करना है, एक मित्रवत व्यवहार में बदलना है। वहां पर सहयोग की भावना होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए ताकि जो अधिगम हो वो रुचिपूर्ण हो, अधिगम में बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपनी बढ़ चढ़कर मतलब उस अधिगम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के साथ साथ अपना जो उनका व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके, इस बात का भी हमें विशेष ख्याल रखना है, इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं, अगली हेडिंग कह रहा है दृढ़ निश्चय होना। माने एक अच्छे शिक्षक को, ध्यान रहे, एक अच्छे शिक्षक को अपने छात्रों को सफलता दिलाने के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जैसे मैंने संकल्प लिया है आपको हर हाल में हमें एक सरकारी शिक्षक बनाना है, उसके लिए आप लोग, जैसे अगर आपने क्लास ऑनलाइन ज्वाइन किया, ठीक है, अगर आप नोट संबंधित जानकारी चाहिए तो देखिए ई लर्निंग विद दुर्गेश का जो ऑफिस का नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आज एक गेस्ट के रूप में मैं आप सभी को लाइव सेशन में पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो आप लाइव देखिए, चाहे ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पे देखिए, ये जहाँ भी देख रहे होंगे, क्योंकि मेरी क्लास हमेशा आपके लिए अपने बचे हुए समय में मैं शुल्क लेकर आता हूँ। मैं हमेशा ये चाहता हूँ आप लोग सरकारी शिक्षक बने। कुछ लोग कहते हैं सर अभी तो परीक्षा शिक्षक भर्ती की नहीं हो रही है, जब जिस दिन परीक्षा होगी मैं उस दिन पढ़ूंगा। ऐसा मत करिए, आप ये जानिए कि क्या अगर आज आप पढ़ लेंगे तो कल आपकी बदहजमी हो जाएगी। क्या परीक्षा 10 दिन बाद होनी है, 20 दिन के बाद होनी है, 25 दिन के बाद होनी है, 2 महीना के बाद होनी है, 5 महीना के बाद होनी है, क्या आपको बदहजमी हो जाएगी? जी नहीं। जिस प्रकार एक अच्छे और बड़े भवन को बनाने के लिए उसकी नींव के साथ साथ एक एक पत्थर, एक एक ईंट की जरूरत पड़ती है, वैसे आपको एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए हर विषय की एक एक लाइन की ईंट जोड़कर एक दिन आप अपने परिवार, अपने समाज सभी के लिए एक बड़ी इमारत होंगे, एक खूबसूरत इमारत होंगे, एक ताजमहल की तरह होंगे। लेकिन कब, जब हर विषय को लगातार पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। उसे छात्रों के आवश्यकता के अनुसार अधिगम कराना चाहिए। कुछ को गणित में दिक्कत होती है, कुछ कहते हैं सर जीवन कौशल
में 10 कैसे आएंगे? आएंगे, आराम से आएंगे। आप डेली क्लास पढ़िए, ये पूरा जो नोट्स है पूरा रट डालिए, आपके 10 में 10 पूरे आएंगे। इसके लिए घबराइए नहीं। थियरी के बाद पूरी एमसीक्यू क्लास होगी, यह आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर जाएंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और जौनपुर से है तो वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एक शिक्षक को अपने बच्चों को सफलता दिलाने के लिए हमेशा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए दुनिया में दो लोग हैं, एक माता पिता एक शिक्षक, जो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे भी आगे जाए। अगर हम सरकारी शिक्षक हैं प्राइमरी के, तो हम ये चाहेंगे आप आईएएस बने, पीसीएस बने, डीएम बने, सीडीओ बने, लेखपाल बने और अच्छे अच्छे पदों पर जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, विधायक सांसद बने। लेकिन हमारे आसपास के लोग चाहते हैं अरे उनसे आगे ना जाने पाए। एक माता पिता भी चाहते हैं उनका बच्चा उनसे भी आगे जाए, बड़ा अधिकारी बने, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने। तो यहां पर ये बातें भी जरूरी है आपको जानना। अब यहां पे सातवां और अंतिम जो है, अच्छा सातवां के बाद अभी और भी है आगे, आइए इसके बारे में हम और जानते हैं क्या क्या चीज हम लोग को यहाँ पे और पढ़नी है। यहाँ पे है सृजनात्मक क्षमता का विकास। मैंने एक अच्छे शिक्षक को हमेशा सृजनात्मक होना चाहिए, अपने पाठ को आकर्षक रूप में ढालने की क्षमता होनी चाहिए। आप कहेंगे सर ये आकर्षक रूप का मतलब क्या हो गया? मतलब खूबसूरत नहीं, माने हमें अपने पाठ को कुछ इस तरह से बनाना चाहिए, हमें से आप हमेशा अपना जो पाठ्यक्रम है, ध्यान रहे, हमेशा हमारा जो पाठ्यक्रम है ऐसा होना चाहिए, इस रूप में ढालना चाहिए, माने ऐसा क्षमता होना चाहिए ताकि बच्चों के लिए रुचकर हो, उनका ध्यान आकर्षित हो सके, उस पाठ को उस विषय को वो पूरे खुशी के साथ पढ़ सके, पूरे मनोयोग के साथ पढ़ सके, उसे अपने छात्रों का जो विषय है उस विषय के जो विषय वस्तु को ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा तैयार करना चाहिए कि बच्चों का ध्यान उन विषय वस्तुओं पर जाए, उनका ध्यान आकर्षित हो सके। और हमेशा नए नए शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, जिसकी वजह से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एकीकृत होगा, एकीकृत करना भी चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, हमेशा आप भी नए नए प्रयास करिएगा, ढेर सारी किताबें पढ़िएगा, समय बच जाए तो नोट्स को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो नोट्स होता है यह आपकी सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने में काफी मददगार होता है और आपकी अधिगम से जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एकीकृत करता है, माने एक ही जगह सब कुछ आपको, जैसे अगर हम बात करें तो नोट्स में मिल जाता है आसानी से, ठीक है, आसानी से एक ही जगह सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। आगे हम बात करते हैं, जो आपके सामने शायद आपको दिख रहा होगा, कह रहा है उदारता की भावना। माने एक अच्छे शिक्षक के स्वभाव में सहिष्णुता होना भी आवश्यक है, माने वो हमेशा ऐसा नहीं है कि कोई से बच्चे ने गलती कर दी है उसको डांटना शुरू कर दीजिए, उसे मारना शुरू कर दीजिए। अभी आगे इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक शिक्षक के स्वभाव में सहिष्णुता होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी धर्म, जात, मजहब, वर्ग, वर्ग विशेष, जाति विशेष, जाति आदि की तरफ वह उसका झुकाव हो, जी नहीं, उसके लिए सभी धर्म, जात, मजहब, लोग सभी एक समान है। हमें एकमात्र हमारा एक धर्म एक शिक्षक का होगा, बच्चे का भी एक धर्म किसका, एक छात्र का होगा, और हमारा एक ही उद्देश्य होगा कि बच्चों की सफलता, जैसे मेरा उद्देश्य है आपकी सफलता, ताकि आप सफल हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें और एक सरकारी अध्यापक या अध्यापिका बने। इस प्रकार हमने देखा कि जो प्रमुख चीजें थी वो आज हमने पढ़ लिया जीवन कौशल के इन 8 बिंदुओं में। इसके बाद इसकी अगली वीडियो आएगी, फिर अगली वीडियो आएगी, हम आपको कम समय में ज्यादा मैटर देने का प्रयास करेंगे, ताकि आप भी सिलेक्शन के धीरे धीरे करीब पहुंचे। यह वीडियो आप सभी के सिलेक्शन में काफी मददगार साबित हो सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अगर अंतरात्मा कहे इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, अन्यथा अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो मेरा निवेदन है कि टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, वहां पे सभी निशुल्क क्लास आप सभी को मिल जाएंगे। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, इसी तरह दुर्गेश्वर सर्च करिएगा, और वहां पे सभी चीजें आपको निशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में मिल जाएंगे। सभी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, क्लास प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ मिलेगा। बस खुद से कभी मत हारने दीजिएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। अगर आपको लगा हो कंटेंट बेहतर है,
कंटेंट सॉलिड है, यहां से परीक्षा में सवाल आते हैं। इस वीडियो को अपने सभी साथियों को, अपने सभी ग्रुपों में, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे, जहां भी देख रहे हैं वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार एक सीट हमार। जय हिंद।